Hello student, this is your online computer class. We are in chapter 6, MS Word Introduction and Editing. Look at your book, page number 56. Today we are going to start from page number 56. In your previous class, we have learned how to select text. Okay, text को कैसे select करते हैं वो हमने previous class में पढ़ा था. तो आज why is selection done? ये select क्यों करते हैं किसी भी text को editing और modify करने के पहले उस text को selection क्यों करते हैं, text का selection क्यों करते हैं, ठीक है, select करना क्यों जरूरी है. तो why is selection done? तो start करते हैं. Selection is required for instructing the computer about the part that is needed to be modified. तो हम किसी भी text को अगर हम select करते हैं computer में, किसी भी documents और text को हम जब select करते हैं तब हम ये computer को instruction देते हैं कि वो उस वो text जो हमने सेलेक्ट किया उसमें हम मॉडिफाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें वी हैव टू मॉडिफाइड. ओके, हमें उसे मॉडिफाई करना है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं बाय सेलेक्टिंग द पार्ट्स ऑफ दैट टेक्स्ट. ओके, तो इसीलिए किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसे मॉडिफाई करने से पहले उसको सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज नेविगेटिंग थ्रू अ वर्ड डॉक्यूमेंट. द गिवन टेबल शो हाउ टू मूव अराउंड डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द कीबोर्ड. तो यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नेविगेट कैसे करते हैं, ठीक है, किसी भी कीबोर्ड के थ्रू हम वन डॉक्यूमेंट से पे वन पेज से या वन पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ किस तरह नेविगेट कर सकते हैं, किस तरह मूव कर सकते हैं, इसको कीबोर्ड के थ्रू हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ कीज, शॉर्टकट कीज दिया गया है और उसका फंक्शन दिया गया है, ठीक है. तो ये फंक्शन किस लिए, टू मूव द कर्सर पोजीशन, ठीक है, कर्सर को किस पोजीशन में जब हम ये एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तब जब ये उसका फंक्शन क्या होगा, जब वो कर्सर का पोजीशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो जाएगा जब हम ये फंक्शन की यूज करेंगे, ठीक है. तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरह से ये करना है. तो हम यहाँ कंप्यूटर विंडो में पहले वर्ड ओपन करेंगे, एमएस वर्ड ओपन करेंगे. यहाँ कुछ टेक्स्ट है. तो इसको हम यहाँ पे जो की दिया गया है उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है. लुक एट योर बुक, अप एरो की में अप के एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो. जब हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से वन कैरेक्टर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, तो जहाँ भी हम अगर हम बीच में से कर्सर यहाँ के कर्सर को ध्यान में ध्यान से देखेंगे, जब जब लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो वन कैरेक्टर लेफ्ट लेफ्ट जाएगा, ठीक है, इस तरह से वन कैरेक्टर लेफ्ट जाएगा. इफ़ यू प्रेस राइट एरो की देन इट्स मूव राइट टूवर्ड्स राइट वन स्टेप्स. ओके, देन इफ यू प्रेस अप एरो प्रेस करने से ये वन स्टेप अप जाएगा जब कर्सर पोजीशन है उसका, उस वो वन स्टेप अप जाएगा, ठीक है. और इफ डाउन एरो जब हम प्रेस करेंगे तो वन स्टेप ये डाउन चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये मूव होता जाएगा. दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो हमारा कर्सर
ये वन स्टेप नीचे मूव होता जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये इस तरह से मूव होता जाएगा। तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस राइट एरो की। जब हम यहाँ पे कॉर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट वर्ड में मूव हो जाएंगे। कंट्रोल प्रेस करते हैं और राइट एरो की प्रेस करते हैं, तो वन वर्ड हम नेक्स्ट वर्ड में आ गए। इस यहाँ से ये कॉर्सर यहाँ मूव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड में हम चले जाते हैं, फिर से करेंगे, नेक्स्ट वर्ड में चले गए, ठीक है। इस तरह से ये मूव होता चला जाएगा, इस तरह से ये कॉर्सर ध्यान से देखिए, ये मूव होता जाएगा। वन कंट्रोल प्लस वन एरो प्रेस करने से ये इस तरह से मूव होगा। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो ये प्रीवियस वर्ड में मूव होगा, ठीक है, बैकवर्ड मूव होते जाएगा, इस तरह से मूव होता जाएगा। तो फिर होम बटन जो कीबोर्ड में होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जो जो भी लाइन है, जब हमारा कर्सर यदि बीच में है तो हम यहाँ कुछ एडिट कर रहे हैं तो हमें बिगिनिंग ऑफ द लाइन में जाना है, तो हमको क्या करना है, होम बटन प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। इफ़ यू आर इन दिस लाइन, यहाँ पे है, तो आपको जब हम होम बटन प्रेस करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एंड बटन है, जब एड एंड बटन, जब हम बिगिनिंग में है तो जब हमें एंड ऑफ द लाइन में जाना है तो हमें एंड बटन प्रेस करना है, ठीक है, कीबोर्ड से एंड बटन को प्रेस करना है। इस तरह से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस होम बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब हमारा कर्सर यहाँ पे है तो हमें बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करना है, तो हम यहाँ पे आ गया हमारा कर्सर, तो यहाँ हमारा बिगिनिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट्स का बिगिनिंग पॉइंट है। जब हम कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर बिगिनिंग में, डॉक्यूमेंट्स के बिगिनिंग में चला जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एंड, जब हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कर्सर कहाँ होगा, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर एंड में यहाँ आ गया है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करने से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो प्रीवियस पेज में जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पेज अप, ये हमारा प्रीवियस पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ओनली वन पेज है। तो उसके बाद कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे, पेज डाउन करते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज है, तो हमारा दूसरा पेज में चले गए। तो ये फंक्शन की है जी, जो की दिया गया है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, जिसके कॉम्बिनेशन से हम जब प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो हम जब वर्ड में काम करते हैं तो ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी लेटर टाइप वगैरह करते हैं तो हम ये कीज ये प्रेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो वर्क होगा वो फास्ट हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मूविंग द टेक्स्ट, लुक एट योर बुक पेज नंबर 56, मूविंग द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को मूव कैसे करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी भी लाइन या वर्ड को मूव करना है यहाँ से यहाँ तक, कहीं कहीं भी वन लोकेशन से अनदर लोकेशन मूव करना है, तो उसको किस तरह से हम मूव करते हैं, ठीक है। मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू मूव द टेक्स्ट और डेटा फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन टू अदर लोकेशन, ठीक। मूविंग अ टेक्स्ट मीन्स क्या है, मूविंग अ टेक्स्ट और डेटा, कोई भी टेक्स्ट और डेटा को ओरिजिनल लोकेशन से किसी अदर लोकेशन में मूव करना है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसको मूविंग कहते हैं, मूविंग, ठीक है।
तो यू यूज द कट एंड पेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू यूज कट एंड पेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। किसी भी टेक्स्ट को वन प्लेस टू अनदर मूव करने के लिए हमें यहाँ पे कट एंड पेस्ट ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं टू मूव द टेक्स्ट। मूव टेक्स्ट को किस तरह से मूव करेंगे, तो यहाँ पे बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स यू कैन मूव योर टेक्स्ट फ्रॉम वन योर ओरिजिनल लोकेशंस टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट टेक्स्ट। तो हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। हम वन वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फुल लाइन भी, फुल पैराग्राफ को कोई कितना भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमको ये टेक्स्ट हमें मूव करना है तो हमें पहले इसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद क्लिक ऑन कट आइकॉन फ्रॉम द होम टैब। तो हमें होम टैब में जाना है, गो टू होम टैब एंड क्लिक ऑन द कट आइकॉन। यहाँ पे जो कट आइकॉन है उस पर क्लिक करना है हमें। थोड़ा इस डॉक्यूमेंट को ऊपर दिखाते हैं। होम टैब में जाके कट आइकॉन यहाँ पे दिया गया है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कट आइकॉन। यहाँ पे हमने कट किया तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन था वो कट हो गया, ठीक है। उसके बाद पुट द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो हमें इस कर्सर को प्लेस करना है कहाँ पे, जहाँ पे हमें वो फर्स्ट लाइन पेस्ट करना है, ठीक है। हमें अगर वो फर्स्ट लाइन यहाँ पे पेस्ट करना है इसके आगे, तो हमें ये कर्सर को यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हमने यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस किया है, ठीक है। इस तरह से हमें कर्सर प्लेस करना है। उसके बाद नंबर फोर में क्लिक ऑन द पेस्ट आइकन फ्रॉम द होम टैब। फिर से होम टैब में जाना है। उसके बाद क्लिक ऑन द पेस्ट आइकन। यहाँ पे पेस्ट आइकन दिया गया है, जो ये दिख रहा होगा साइड में है, जो पेस्ट आइकन, इस पेस्ट आइकन को क्लिक करना है, ठीक है। तो सिंपल है, ये जो मैंने फर्स्ट में से फर्स्ट लाइन जो कट किया था यहाँ पे वो पेस्ट हो गया। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लोकेशन हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हम चाहे तो हम पूरा ये पूरा जो है पूरा ये पैराग्राफ पूरा है ये इसको भी हम मूव कर सकते हैं। खाली हमको क्या करना है, होम टैब में जाना है, इसको कट करना है। तो हमें फिर इसको न्यू लोकेशन में ले जाना है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है। यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हम ओपन करेंगे। उसके बाद क्रिएट में क्रिएट करेंगे और यहाँ जाके हमको फाइल टैब में क्लिक करना है, नहीं होम टैब में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये न्यू लोकेशन में पूरा का पूरा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स था वो वन फाइल टू अनदर, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशंस मूव हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी लोकेशन में कट एंड पेस्ट ऑप्शन के थ्रू मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने की बात है। तो आज ये नहीं करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय।